फोटोजेनिक। तो एक छोटा सा वीडियो है आपको थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए और आपको कुछ टिप्स देने के लिए जो कि लास्ट टाइम में बहुत ज़रूरत होती है सबको ही, चाहे वो जो 10 रैंक लाने वाला होगा, चाहे 100 रैंक लाने वाला होगा, चाहे 500वीं रैंक लाने वाला होगा लास्ट टाइम, क्योंकि अब 40-45 डेज बचे हुए हैं अप्रॉक्सीमेटली। तो अब आपका एक एक मिनट बहुत ज़्यादा कीमती है कंपेयर टू जब आपने जून जुलाई में तैयारी करी थी तो एक आध दो मिनट इधर उधर चले भी गए तो उतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अब एक एक मिनट बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अभी जिन लोगों ने पूरा सिलेबस पढ़ भी लिया है, टेस्ट दे रहे हैं, उनको भी क्या करना चाहिए इस पॉइंट ऑफ टाइम पे रेस्ट 40-45 डेज में, और जिन्होंने तैयारी शुरू ही करी है दिसंबर में या अभी नवंबर में, तो उनको तो ऑलरेडी हम लोग बता चुके हैं कि उनको केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे फोकस करना है, हर सब्जेक्ट के जितने सब्जेक्ट हो सकते हैं उनसे 6-7 वो पिछले वीडियो में मैं और पंकज सर ने बनाया था तो उसमें हम लोगों ने ये डिस्कशन किया था। लेकिन ये जो वीडियो है वो अभी जो 40-45 डेज में आपको टाइम को कैसे यूटिलाइज करना उसके बारे में है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, रिलीवेंट एंड इररिलीवेंट फॉर गेट 2020 टिप्स फॉर 2020। तो अब जब आपका टाइम एक एक मिनट बहुत कीमती होने वाला है तो वो उस एक मिनट को आप कहाँ इन्वेस्ट करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जो आपका फरवरी में एग्जाम होगा उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ये टाइम जो है 40-45 लास्ट टाइम जो आता है वो ज़्यादा क्रूशियल हो जाता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी के लिए। आप पैनिक भी इसी टाइम करते हैं, आप डिप्रेशन में भी इसी टाइम जाते हैं, आप डीमोटिवेट इसी टाइम होते हैं, लेकिन यही वो टाइम है जब आपको अपने आप को और ज़्यादा इम्प्रूव करने की भी ज़रूरत है, ठीक है। तो मैंने ये जो रिलीवेंट और इररिलीवेंट लिखा है इसका मतलब क्या है मैं पहले बता देता हूँ, व्हाट इज रिलीवेंट एंड व्हाट इज इररिलीवेंट। आपने हमेशा सुना है कि स्मार्ट स्टडी हमें करनी चाहिए, स्मार्ट स्टडी करनी चाहिए। किसी भी टॉपर से पूछोगे तो वो नहीं कहेंगे कि हमें पूरा सब कुछ पढ़ के जाना है, हमें स्मार्ट स्टडी करनी है, स्मार्ट रहना है, हमें पढ़ाई तो करनी है, मेहनत करनी है, लेकिन स्मार्टली करना है। उसका मतलब क्या है, वो बेसिकली यही चीज आपको बोलते हैं, हर टॉपर आपको यही बोलेगा, किसी से भी मिलोगे। रिलीवेंट और इररिलीवेंट, तो जो किसी भी सब्जेक्ट को आप उठाओगे, 10-12 सब्जेक्ट हैं उसमें बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होंगे जो बहुत रिलीवेंट होंगे और बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होंगे, बहुत सारे नहीं तो कुछ तो टॉपिक्स ऐसे होंगे ही जो इररिलीवेंट होते हैं। वो डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है कि क्या रिलीवेंट है क्या इररिलीवेंट है। रिलीवेंट पे फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है कि इररिलीवेंट को थोड़ा सा अवॉइड करना इस टाइम पे, जो 40-45 दिन बचे हैं इस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब कैसे, मेरे लिए रिलीवेंट क्या है इररिलीवेंट क्या है कैसे डिसाइड करोगे, है ना। तो जो रिलीवेंट है बेटा आपके लिए, आप कोई भी सब्जेक्ट अभी जब रिवीजन का प्लान कर रहे होगे, आप बहुत लोगों ने अपना सिलेबस खत्म भी कर लिया होगा, मॉक टेस्ट दे रहे होंगे, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दे रहे होंगे, ये सब दे रहे होंगे, तो जब आप रिवीजन प्लान कर रहे हो अब 40-45 डेज बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवीजन भी कैसे प्लान कर रहे हो ये भी मैटर करेगा। तो उसमें रिलीवेंट क्या है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में और इररिलीवेंट क्या है आपको पता होना चाहिए। अब कैसे डिसाइड करोगे रिलीवेंट क्या है और इररिलीवेंट क्या है, आप किस एग्जाम को देने जा रहे हो, गेट 2020 को फोकस कर रहे हो, तो गेट के रिस्पेक्ट में मेरा क्या रिलीवेंट है क्या इररिलीवेंट है ये आपको पता होना चाहिए। तो मैं एक सब्जेक्ट उठाऊंगा जैसे सिग्नल सिस्टम, तो उसके रिसेंट 5-10 ईयर्स, मैं हमेशा 5-10 ईयर्स की बात करता हूं, बहुत पहले का नहीं, 5-10 ईयर्स में, लास्ट 5-10 ईयर्स में उसमें जहां से क्वेश्चन आते रहे हैं, है ना, वो टॉपिक्स आपके रिलीवेंट हैं, और जहां से क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आए या पिछले 10 साल में या 6-7 साल में एकाक बार आए वो टॉपिक्स थोड़े से क्या हैं, इररिलीवेंट हैं। तो जब रिवीजन आप प्लान कर रहे हो तो आपको रिलीवेंट टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करना है, उसके टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज्यादा करनी, उस टाइप के माइंड सेट में आपको जाना है ना। और हर सब्जेक्ट में आप पाओगे कि 80% 80-85% या 80-90% सिलेबस आपको रिलीवेंट मिलेगा, जो भी सिलेबस डिफाइंड है गेट में, 80-90% सिलेबस से क्वेश्चन रिसेंटली आ रहे होंगे, 80% सिलेबस ऐसा होगा, 85%, लेकिन 10-15% ऐसा होगा जहां से पिछले 10 साल में एकाध बार क्वेश्चन आया होगा, एक दो बार, या तो आया ही नहीं होगा, तो वो टॉपिक्स इररिलीवेंट हो गए, और ये सारे हर सब्जेक्ट में होगा। तो जब रिवीजन प्लान कर रहे हो तो जो ये 80-90% रिलीवेंट टॉपिक्स हैं जहां से गेट में क्वेश्चंस आए हैं उनको बहुत अच्छे से रिवीजन करना है, उन पे फोकस ज्यादा करना है, और जो 10-15% इररिलीवेंट हैं, लेट्स से आपने उसको पढ़ा भी था, हो सकता है कुछ लोगों ने कवर भी किया हो, तो
ऐसा ना हो, उसको रिवीजन उसका भी कर सकते हो, लेकिन उसको प्रियोरिटी में एकदम लिस्ट रखोगे। अगर मुझे टाइम बचा सारे 80-90% सारे सब्जेक्ट के रिलेवेंट टॉपिक्स का प्रॉपर रिवीजन करके, उसके प्रॉपर क्वेश्चनिंग की प्रैक्टिस करके अगर टाइम बचा, तो मैं इररिलेवेंट टॉपिक्स का मैं क्या करूंगा, रिवीजन प्लान करूंगा। क्योंकि ऐसा ना हो, कई बार आपके साथ ये होता है, मतलब ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और बहुत सारे मेरे साथ जो मेरे दोस्त तैयारी करते थे उनके साथ भी ऐसा होता था कि आप क्या है, एक सब्जेक्ट आपकी बहुत अच्छी है, आपको उसमें सब कुछ आता है, 2-3-4 सब्जेक्ट आपको सब कुछ आता है, तो जब आप रिवीजन प्लान करते हो तो उस सब्जेक्ट के सारे ही एरियाज को कवर करने की कोशिश करते हो। उससे होता क्या है, उस सब्जेक्ट में भी 80-90% रिलेवेंट होगा और 10% इररिलेवेंट होगा, लेकिन आप इररिलेवेंट को भी उतने ही अच्छे से प्रैक्टिस करो जितने के रिलेवेंट को। इससे हो क्या रहा है, 3-4 सब्जेक्ट का रिवीजन आपने ज्यादा प्रॉपर ज्यादा अच्छे से किया, लेकिन इसकी वजह से हो क्या गया कि कुछ और सब्जेक्ट जिसमें आपको पूरे टॉपिक्स अच्छे से नहीं आते थे, कुछ टॉपिक्स में डाउट था, है ना, हो सकता कुछ रिलेवेंट टॉपिक्स में आपको डाउट था, बाकी सब्जेक्ट के कुछ रिलेवेंट टॉपिक्स में भी डाउट था, उसके लिए आप उतनी इफिशियंसी नहीं ला पाए, उसके लिए उतना प्रॉपर रिवीजन प्लान नहीं कर पाए, क्योंकि आपने जो 3-4 सब्जेक्ट अच्छे से आपको आती थी उसमें इररिलेवेंट को भी बहुत प्रैक्टिस करते रह गए, क्योंकि आपको लगता था पूरा सिलेबस आता है सब कुछ पढ़ के जाऊंगा। ये सबसे बड़ी गलती बहुत लोग करते हैं, और जो टॉपर्स आएंगे ना बेटा वो गलती ये नहीं करते। मैं भी जब गया था गेट एग्जाम देने तो मैं भी कुछ टॉपिक्स छोड़ के जाता था जो मुझे इररिलेवेंट लगता था, नहीं पढ़ता था। साल भर तैयारी के पहले ही मेरा एम क्लियर होता था कि हाँ ये सब्जेक्ट में ये टॉपिक्स तो अच्छे से कवर करने, टाइम मिलेगा तो इन टॉपिक्स को हो सकता है देख लूंगा, नहीं मिलेगा तो नहीं, लेकिन मैक्सिमम सब्जेक्ट के रिलेवेंट टॉपिक्स पे मेरा कमांड होना चाहिए। ये जब मैं तैयारी फर्स्ट डे शुरू किया था तभी मेरे को क्लियर था, और अभी ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इररिलेवेंट आपने मान लो अप्रैल मार्च मई जो भी आपने तैयारी शुरू कर दी, आपने इररिलेवेंट भी कवर कर लिया किसी सब्जेक्ट के, आपने पढ़ लिया है, लेकिन वहां से क्वेश्चंस अगर नहीं आ रहे हैं, तो अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे उसको बार बार रिवाइज करने की जरूरत नहीं। पहले जो रिलेवेंट टॉपिक्स हैं सारे सब्जेक्ट के, उनका रिविजन बहुत अच्छे से करो। इफ टाइम परमिट्स कुछ बच जाता है, लगता है कि हाँ चलो देख लेते हैं यार, खाली बैठे हैं, सब कुछ तो कर लिया, सब कुछ अच्छे से हो रहा है, तब इररिलेवेंट पे जाओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा ना हो कि भाई रिलेवेंट इररिलेवेंट कुछ के अच्छे से रिवाइज करने में बाकी सब्जेक्ट के रिलेवेंट कुछ उतने इफिशियंटली नहीं रिवाइज हो पाए जितने आपके 3-4 सब्जेक्ट के रिवीजन हुए। होता है ये, किसी सब्जेक्ट का रिवीजन आपको बहुत इफिशियंटली आप करते हो, किसी का नहीं, बस लगता है कि हाँ कर लिया है, रिवीजन तो किया है, लेकिन वो इफिशियंसी नहीं आ पाती, और रिजल्ट सारे सब्जेक्ट मिला के देंगे, 3-4 सब्जेक्ट नहीं देंगे। इसीलिए सारे सब्जेक्ट के मैक्सिमम रिलेवेंट टॉपिक जो 80-90% है वो अगर आपने अच्छे से कवर किया, तब आपका रिजल्ट ज्यादा बेहतर होगा कंपेयर टू, गारंटी है ज्यादा अच्छा होगा कंपेयर टू कि आपने 3-4 में तो 100% कर लिया, लेकिन बाकियों में आप क्या कर रहे हैं, बाकियों में रिलेवेंट का रिवीजन अच्छे से या नहीं कर पाए, या उसमें कुछ टॉपिक छूट गए, ये सारी चीजें होती हैं आपसे, है ना। तो रिलेवेंट टॉपिक सारे के कवर करना, और कोई भी सब्जेक्ट रिवाइज करने जा रहे हो, उठाओ 5-10 साल के क्वेश्चन टॉपिक्स नोट करोगे तो तुम्हें खुद ही फ्रीक्वेंसी से पता चल जाएगा कौन से बहुत ज्यादा रिलेवेंट टॉपिक्स हैं जिनके मुझे ज्यादा फोकस करना है रिवीजन में, प्रीवियस ईयर गेट के क्वेश्चन की उस टॉपिक से रिलेटेड ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करना, उनको पहले कवर करना मेरी प्रायोरिटी है। ये डिसाइड करना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि सारे सब्जेक्ट के रिलेवेंट ज्यादा अच्छे से कवर हो। अब कुछ लोग ये कहेंगे, सर इररिलेवेंट टॉपिक आपने कह दिया 5-6-7 साल में क्वेश्चन नहीं आए उससे, तो वो इररिलेवेंट टॉपिक है। अब वो सिलेबस में तो है, गेट कभी भी क्वेश्चन दे सकता है, इस साल भी दे सकता है। हाँ बिल्कुल भाई दे सकता है, लेकिन बेटा ऐसा नहीं होगा, ये इट इज रेयरेस्ट ऑफ रेयर कि जो 10-15 इररिलेवेंट टॉपिक्स थे सारे सब्जेक्ट के, उसी सारे से सारे इररिलेवेंट टॉपिक से ही सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। हो सकता है एक आध सब्जेक्ट में उसी रिलेवेंट टॉपिक से क्वेश्चन आ जाए, एक या दो सब्जेक्ट में 4-5-6 मार्क के क्वेश्चन आ गए उन रिलेवेंट टॉपिक से, तो क्या आप 100 में 100 एम करके जा रहे हो? अगर 100 में 100 एम करके जा रहे हो तो बेवकूफी है, लिटरली, है ना, लिटरली बेवकूफी है। वो 3-4 नंबर छोड़ने से कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आपके बाकी 90 पे बहुत अच्छी कमांड है, तो उसमें आप 80+ स्कोर कर ले रहे हो, 85-90 स्कोर कर ले रहे हो, तो वो ज्यादा अच्छा रिजल्ट देगा, 3-4 नंबर छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है, है ना। मैंने भी 2011 में कैंसिलेशन डायग्राम एक होता है कम्युनिकेशन सिस्टम में, वो नहीं पढ़ के गया था मैं, और उससे 4 नंबर का क्वेश्चन आया था, मैंने छोड़ दिया था वो, क्योंकि पिछले कई सालों में नहीं आया था और उस साल वो आ गया था 2011 में, तो मैं नहीं करके गया था क्योंकि मैंने रिलेवेंट टॉपिक्स पे फोकस किया था, इसलिए मेरे बाकी जो टॉपिक्स थे इतने अच्छे से कवर थे कि बाकियों में मेरी गलतियां बहुत ही कम हुई।
कुछ भी ज्यादा गलती नहीं हो, बहुत अच्छा स्कोर आया था, 88.33 मैंने स्कोर तब भी किया था, वो चार नंबर छोड़ने के बाद भी, है ना। तो ये दिमाग में क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और इस समय रिवीजन के टाइम और जरूरी है, और इसलिए ये वीडियो मेरे, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट उन लोगों के लिए भी है जो बहुत पहले टाइम से तैयारी कर रहे हैं, जो रिपीटर्स हो सकते हैं और फरवरी मार्च से लगातार लगे हुए हैं, तो वो सब कुछ कवर कर लेते हैं। अब रिवीजन के टाइम सब कुछ कवर किए थे, पहले पढ़े थे, तो उनको लगता है रिवीजन में अब सब कुछ रिवाइज भी करना बहुत जरूरी है। इस चक्करों में क्या होता है, कुछ सब्जेक्ट में उनका रिवीजन उतना प्रॉपर नहीं होता, कुछ में अच्छा होता है, तो ओवरऑल रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं हो पाता, फिर वो एवरेज मीडियोकर के फॉर्म में ही रह जाते हैं। ये क्लियर होना बहुत जरूरी है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स है। आप अगले 40-45 दिन में अपने रिवीजन को कितना स्मार्टली प्लान करते हो, कितना स्मार्टली रिलेवेंट टॉपिक्स को कवर करते हो, दैट इज गोइंग टू डिसाइड योर रिजल्ट इन 2020, है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये तो बात हो गई इसकी, ठीक है। दूसरी चीज जो मैं बताने वाला था कि अभी हम लोग गेट 2020 के लिए मॉक टेस्ट हम लोग लॉन्च करने वाले हैं, केवल मॉक रहेगा उसमें चार, और हमारी कोर टीम ही मैक्सिमम क्वेश्चन डिजाइन कर रही है। मैं खुद ही डिजिटल एनालॉग सिग्नल सिस्टम EDC में खुद डिज़ाइन कर रहा हूँ, बाकी सब्जेक्ट भी कोर सब्जेक्ट, जैसे मशीन हुई, आपके पावर सिस्टम हुआ, ये सब हमारी कोर फैकल्टीज और जो भी हैं हमारे कोर टीम मेंबर्स पंकज सर, सोहेल सर, ये लोग डिज़ाइन कर रहे हैं ना, तो मैक्सिमम चीज़ें इन हाउस ही हम डिज़ाइन कर रहे हैं, और गेट टाइप का ही रहेगा, बहुत लेंदी पेपर नहीं बनाने वाले, बहुत ईजी पेपर भी नहीं होगा, एक जैसा गेट टाइप का होता है कि आपको गेट इन्वायरमेंट की फील हो, आपको लगे कि हाँ गेट टाइप का पेपर है, वैसा पेपर बनाने की कोशिश की जा रही है ना। और टेस्ट सीरीज में आपको अभी जब आप किसी भी कहीं की भी टेस्ट सीरीज आपने लिया होगा, कहीं से भी बाय किया होगा, उसको दे रहे होंगे, तो इररिलेवेंट टॉपिक्स के क्वेश्चन जरूर उसमें आ रहे होंगे। क्यों? क्योंकि भाई वो टेस्ट सीरीज सिलेबस के हिसाब से बनाते हैं, तो उनको लगता है भाई ये चीज नहीं पूछी गई, डाल देते हैं, क्या पता इससे क्वेश्चन आ जाए, वो ये गेस करके बनाते हैं। तो आपको उससे डरना नहीं है, इररिलेवेंट टॉपिक्स अगर टेस्ट सीरीज में भी छूट जा रहे हैं, नहीं बना रहे हो आप, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैक्सिमम रिलेवेंट टॉपिक्स अगर आपके कवर हैं तो आप गेट में जरूर अच्छा करोगे। ये दिमाग में रखो, पॉजिटिव माइंडसेट रखो। आपको बार बार मैंने देखा है, मैक्सिमम जिनका रिजल्ट अच्छा नहीं आता उनकी थिंकिंग कैसी होती, मैं एकदम क्लियर बताता हूँ, दे आर निगेटिव थिंकिंग पीपल। उनको 10-15% जो कवर नहीं होता है उसी पे बार बार दिमाग जाता, उनको लगता वहीं से सब कुछ आने वाला, वो 85% जो पॉजिटिव तैयारी उनकी है उसके बारे में कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं, अपने पे सेल्फ बिलीफ नहीं करते, उनको वही चीज बार बार परेशान करती, वो 10%, और वो बहुत हार्मफुल होता है, कॉन्फिडेंस लेवल उससे लो रहता है, क्योंकि आप बार बार सोच रहे हो जैसे लग रहा वहीं से चीजें आने वाली है ना बार बार, जबकि जो तैयार है उस पर कॉन्फिडेंस आप नहीं बिल्ड कर रहे हो, ये बहुत ज्यादा। तो निगेटिव थिंकिंग लोग ऐसे ही करते हैं, निगेटिव थिंकिंग लोग हर अपॉर्चुनिटी में डिफिकल्टी ढूंढते हैं, पहली चीज, ये बहुत ही क्लियर पॉइंट है। अपॉर्चुनिटी है कि आपने 80-90% सिलेबस कवर किया है, कॉन्फिडेंट रहिए, उसके बेसिस पे मैं अच्छा स्कोर करूंगा, लेकिन वो डिफिकल्टी ढूंढते रहेंगे, ये नहीं कवर हुआ यार मेरा तो खराब ही आएगा, अरे यार मैं कर पाऊंगा कि नहीं, एकदम परेशान रहते हैं, परेशान आत्माएं जो घूमती रहती है ना। जबकि पॉजिटिव पीपल, कोई लोग होगा अक्टूबर से तैयारी करके आपसे अच्छी रैंक लाएंगे जो आप फरवरी से कर रहे हो, लेकिन उनका एकदम पॉजिटिव दिमाग क्लियर रहता है, रिलेवेंट टॉपिक्स पढ़ूंगा, 3-4 महीने टाइम है, जो मेन मेन टॉपिक्स है उनको हर सब्जेक्ट की कवर करूंगा, गेट के प्रीवियस ईयर लगाऊंगा, जाके एग्जाम में बैठ जाऊंगा, और जितना मुझे आता उसको अच्छे से परफॉर्म करूंगा, एकदम पॉजिटिव। वो हर डिफिकल्टी में अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं कि डिफिकल्ट तो है लेकिन मैं अच्छे से कुछ टॉपिक्स करके जाऊंगा, हर सब्जेक्ट के कुछ टॉपिक पे कमांड करके तो मैं अच्छा कर लूंगा, पॉजिटिव माइंडसेट से जाते हैं, और ये एग्जाम में बहुत बड़ा डिफरेंस पैदा करता है, आप मानो या ना मानो, है ना। तो ये मैं जब लोग तैयारी करना शुरू करते हैं बार बार ये चीज बोलता हूं, लेकिन कुछ लोग इसको अमल कर पाते हैं, मैक्सिमम लोग नहीं करते हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को लगता है कि सारा सिलेबस कवर करके जाऊंगा एकदम तभी जाके, और वो करना थोड़ा मुश्किल है बेटा, बहुत मुश्किल काम है, इतना आसान नहीं है। मुझे भी, मैं 3-4 सब्जेक्ट हूँ, उस सब्जेक्ट में कुछ रिलेवेंट टॉपिक्स हो सकते हैं, मुझे भी बहुत अच्छी कमांड ना हो, आता हो लेकिन बहुत अच्छी कमांड नहीं, जितना रिलेवेंट टॉपिक्स में बहुत अच्छे से कि एकदम एक एक चीज क्रिस्प एंड क्लियर है ना, मैं अभी पढ़ाता हूँ उसी सब्जेक्ट को, इतनी बार पढ़ाऊँ तब भी मैं ये बात कर रहा हूँ, तो ये चीज बहुत क्लियर होनी बहुत ज्यादा जरूरी है ना। तो टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करो, इररिलेवेंट चीज छूट रही कोई दिक्कत नहीं, और टेस्ट सीरीज का माइंडसेट हमेशा होना चाहिए कि लर्निंग के लिए दे रहा हूं, कोई गलती हो गई, कुछ हो गया,
टेस्ट है ना, टेस्ट में हुआ, अब वो गलती होने के चांस एग्जाम में कम होंगे अगर मैं टेस्ट में गलती कर रहा हूँ। उससे डिप्रेस, उसको लर्निंग की तरह लेना, ये पॉजिटिव माइंडसेट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कुछ लोग टेस्ट से ही जज कर लेते हैं कि मेरी गेट में परफॉर्मेंस क्या होगी, गेट इज टोटली डिफरेंट। टेस्ट सीरीज आपको एक फील दे रहा है कि आप गलतियों को दूर करो, है ना, बहुत सारे रिलेवेंट टॉपिक्स आ रहे हैं वो छूट रहे हैं, कोई बात नहीं, वो गेट में नहीं आने वाले हैं, मैक्सिमम चांसेस यही है। तो गेट जो टेस्ट सीरीज दे रहे हो लर्निंग के लिए दे रहे हो, ये माइंडसेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हम लोग भी जो टेस्ट सीरीज ला रहे हैं उसमें भी आपको रिलीवेंसी ज्यादातर दिखेगी, इररिलीवेंट चीजें कम से कम ही हम रहेंगे, मैक्सिमम चीजें रिलीवेंट जो रिसेंटली आ रहे हैं उसी टाइप के क्वेश्चन फ्रेम करने की कोशिश की गई है। तो वो आपको एक फील देगा और आप उससे अपने आप को जज करना कि वो रिलीवेंट टॉपिक्स आप कवर करो। तो रिवीजन बहुत अच्छे से स्मार्टली प्लान करो बच्चों, बहुत ज्यादा क्रूशियल टाइम है 40 से 45 दिन, और आपने अब तक जो किया था उसको रिजल्ट में छलांग मारने का टाइम अब आ गया। ये 40-45 दिन कौन से हैं, छलांग मारने वाले, कि जो अभी आप स्टडी स्टेट में चल रहे थे अब लंबी छलांग मारने का टाइम आ गया। तो उसके लिए स्मार्ट होना जरूरी है, स्मार्टली चीजों को करना जरूरी है, और स्मार्ट लोग यही करते हैं। तो ये छोटी सी टिप्स थी मेरी तरफ से, मैं अभी रहता तो मैं यही करता, और मैं यही करके बहुत लोग जो रगड़ रहे हैं पूरा मेरे से अच्छे एकदम पढ़े पढ़े हैं उनसे अच्छी रैंक लाके दिखाता, और बहुत लोग आपके साथ, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो बहुत ऐसे लोग होंगे जो आपसे हो सकता है देर से तैयारी शुरू करके आपसे अच्छी रैंक लाएंगे, क्योंकि उनको ये माइंडसेट बहुत अच्छे से क्या था, क्लियर था। तो पॉजिटिव हो जाइए, अपने पे सेल्फ बिलीव रखिए, आप बहुत अच्छा करेंगे, बस थोड़ा से स्मार्ट हो जाइए तो अच्छा करने में और ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो इसी और किसी और वीडियो के साथ फिर मैं आऊँगा आपको मोटिवेट करने के लिए, और जैसे लास्ट टाइम आएगा तो लास्ट टाइम टिप्स और क्या क्या होती हैं, कि लास्ट टाइम में क्या चीज़ें करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए, थोड़े से और कुछ और टिप्स मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में लाता रहूँगा। तो जुड़े रहिए जेनिक्स से, थैंक यू वेरी मच।